का लिंक आप लोग सबको मिला होगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल गया आप लोग को, उसमें जुड़ गए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड ग्राउंड में आज फिर से पुलिस पाठशाला प्रारंभ हो गया है। कोरोना के चलते यह दो वर्षों से बंद था। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सामूहिक रूप से पुलिस पाठशाला का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया। आपको बताते चले कि यह क्लास भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में आज से शुरू हो गया, जिसमें भागलपुर DIG विवेकानंद के अलावे कई प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ कई थाने के थानाध्यक्ष एवं भागलपुर के कई कोचिंग संस्थान के प्राचार्य, निदेशक व शिक्षक उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि इस पुलिस पाठशाला में छात्रों को सचिवालय, सहायक, दारोगा आदि की पढ़ाई के साथ साथ अच्छे टिप्स भी दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपने लक्ष्य को पा सके। SSP ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडीज पर जोर दे, वही रामबान होगा। इन कक्षाओं में सभी विषयों के विशेषज्ञ क्लास लेंगे, कई पदाधिकारी भी बच्चों को गाइड करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सबों की अपील पर यह पुलिस पाठशाला कोरोना काल के बाद फिर से आज सैंडिस कंपाउंड मैदान में उद्घाटन के साथ शुरू की गई है। पुलिस प्रशासन का इसमें भरपूर सहयोग छात्रों को मिलेगा, उम्मीद है बच्चे अच्छा करेंगे। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अपने संबोधन में कहा कि भागलपुर के युवाओं के लिए यह पुलिस पाठशाला काफी फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए मेहनत में 100% दे, अपने क्षमता का आकलन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सरकार और प्रशासन आपके साथ है। अभिषेक आनंद, BNP न्यूज, भागलपुर। भागलपुर जिला में जो स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको निःशुल्क गाइडेंस उपलब्ध कराने के लिए पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आज फिर से विधिवत उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है, जिसमें हमारे जो इंस्पेक्टर हैं सुबोध जी और हमारे सार्जेंट मेजर हैं शर्मा जी, और इसके अलावा राजीव जी जो और इनके साथी जो कोचगण हैं, इन सभी लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। सभी पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा इन्होंने तैयार की और इसका प्रचार प्रसार किया, और इसके कारण से 1000 के लगभग आवेदन छात्रों के प्राप्त हुए हैं, और आज यहाँ भारी संख्या में छात्र लोग उपस्थित भी हुए हैं। इसमें इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ऐसे छात्र हैं जिनको कोचिंग की सुविधाओं का अभाव है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। और पूर्व में भी इस कार्यक्रम के बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट रहे हैं, काफ़ी छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है, और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी ये कार्यक्रम इसी तरह से सफल रहेगा, और पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो स्थानीय छात्र हैं, उनको गुणवत्ता पूर्वक जो है अच्छा गाइडेंस उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी सफलता में हम लोग भी सहभागी बने। देखिए, बहुत अच्छा मौका है। जब मैं इस जिले में पोस्टेड नहीं था, तब भी मुझे जानकारी थी, मुझे पता था कि इस तरह का कार्यक्रम पाठशाला भागलपुर में संचालित किया जाता है, और इसके परिणाम भी जो है बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहता है, और उसका रिजल्ट भी जो है विभिन्न प्रतियोगिता